नमस्कार दोस्तों, सेल्फ स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ के द्वारा कल एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसके अंदर 1186 पदों पर आवेदन मांगे गए हैं। ठीक है दोस्तों, और ये आवेदन आपके कल से स्टार्ट कर दिए थे, मतलब 26 तारीख से ही आपके आवेदन स्टार्ट कर दिए थे और कल ये फॉर्म स्टार्ट हुए हैं। ठीक है, नोटिफिकेशन भी इसका कल ही दिया गया है। तो दोस्तों, आपके मन में इसको लेकर कुछ सवाल होंगे जो मैं आपको इस वीडियो के अंदर उनके उत्तर देने की कोशिश करूंगा। जैसे कि आपको कौन सा विभाग अच्छा है, ठीक है, इस भर्ती में कौन सा विभाग आपके लिए अच्छा रहेगा। वैसे तो इसकी बात आपको बाद में करनी होती है, क्योंकि अभी तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन फिर भी आपको बार बार से एक बार डिपार्टमेंट दिखा देना ज़रूरी है। ठीक है ना, और आपका CCC कब चाहिए, ठीक है, और आपकी टाइपिंग कौन सी चाहिए, ठीक है, और अब की बार पेपर का पैटर्न कैसा रहने वाला है, पिछली बार अलग था और अब की बार अलग है, ठीक है, और क्या पिछली बार की तरह अब की बार भी इसमें नंबर मिलेंगे। दोस्तों, पिछली बार क्या था, जो बारहवीं आपकी बारहवीं और ग्रेजुएशन थी, ठीक है, उनके मार्क्स मिलते थे, ठीक है, तो अब की बार भी वो आपको मिलेंगे या नहीं। तो दोस्तों, इन सभी सवालों का जवाब और कुछ अन्य सवालों का जवाब मैं आज आपको इस वीडियो के अंदर देने की कोशिश करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सेल्फ स्टडी यूट्यूब चैनल आपका एक बार फिर से स्वागत करता है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर हमारे द्वारा बनाई गई ये वीडियो आपको ज़रा सी भी अच्छी लगे तो दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर बहुत ज़्यादा अच्छी लगे तो इसे शेयर भी कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी दोस्तों, इसे सब्सक्राइब तो बिल्कुल कर ही लीजिएगा। वैसे तो ये मैं वीडियो के लास्ट में बोलता, लेकिन दोस्तों बाद तक वीडियो कोई नहीं देखता, ठीक है, लेकिन ये वीडियो आपको देखने में इतनी अच्छी लगेगी और इतनी लाभदायक होगी कि आपको इसे अंत तक देखना होगा, ठीक है। वैसे भी अगर आप इसे स्किप करके देखेंगे तो दोस्तों आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला, लेकिन अगर आपने बिना स्किप किए कंप्लीट वीडियो देख ली तो मुझे नहीं लगता कि आपको इस भर्ती से किसी भी प्रकार का प्रश्न आपके मन में परेशानी उत्पन्न करेगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, अंत तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा, ठीक है, फिर मैं आपको एक बार कह रहा हूँ, चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि इन्होंने इसमें बताया कि आवेदन जो प्रारंभ हुए हैं आपके, ये 26/6/2019 से ही प्रारंभ कर दिए गए हैं, और इसकी जो लास्ट डेट है वो आपकी 20/7/2019 है, ठीक है। और इसकी जो संशोधन, यानी कि अगर आपके फार्म में कोई गड़बड़ हो जाती है उसे संशोधित भी किया जा सकता है, तो उसके लिए 27/7/2019 इन्होंने डेट दी हुई है, ठीक है दोस्तों। बाकी दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट जानकारी देने वाला हूँ, ठीक है। इसके अंदर क्या है कि आपको 18 से 40 साल के बीच की उम्र होनी आवश्यक है, ठीक है, और इसमें जो फीस दी गई है, वैसे तो मैंने कल एक वीडियो बनाई थी भर्ती आते ही, नोटिफिकेशन जब ये डाला गया था तभी एक वीडियो बनाई थी, लेकिन वो थोड़ा जल्दीबाजी में बनाई गई थी, इसलिए आज मैं इसमें आपको कंप्लीट जानकारी दूंगा। इसके लिए जो फीस है आपकी, सामान्य जर्नल वालों के लिए 185 रुपये है, OBC वालों के लिए भी 185 रुपये है, और जो अनुसूचित जाति वाले हैं उनके लिए 95 रुपये है, और जो अनुसूचित जनजाति वाले हैं उनके लिए भी 95 रुपये है। बाकी दोस्तों, जो विकलांग व्यक्ति है, ठीक है, उनके लिए 25 रुपये है। फिर आगे बात करते हैं, जैसा कि थंबनेल में मैंने बताया था कि डिपार्टमेंट के बारे में, डिपार्टमेंट कौन सा अच्छा रहेगा और क्या है ये, बाकी ये तो आपको बाद में ज़रूरत पड़ेगी। जैसे ही आप भर्ती का रिटर्न एग्ज़ाम क्लियर करते हैं और अपनी टाइपिंग क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद आपको पोस्ट प्रेफरेंस में, ठीक है, आवेदन यानी कि प्रेफरेंस आपको डालना होगा कि आपको कौन सा विभाग चाहिए, पहले नंबर पर कौन सा, दूसरे पर कौन सा, तीसरे पर कौन सा, इसी हिसाब से आपको नंबरों के हिसाब से डिपार्टमेंट अलॉट कर दिए जाएंगे, ठीक है। लेकिन दोस्तों, विभागों के अंदर ना जाकर मैं आपको आज बाहर बाहर से जानकारी देता हूँ कि विभाग आखिर किस तरीके का है और कौन सा अच्छा रहने वाला है, ठीक है। जब आपको, मतलब जब आप रिटर्न एग्ज़ाम और टाइपिंग क्लियर कर देंगे और सिलेक्शन आपका हो जाएगा फाइनल मेरिट में, पोस्ट प्रेफरेंस मांगने का ऑप्शन आ जाएगा, उस समय मैं आपको कंप्लीट जानकारी दे दूंगा कि किस तरीके का विभाग आपके लिए अच्छा रहने वाला है, ठीक है। ये पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैं आज आपके सामने शेयर कर रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, अब बात करते हैं डिपार्टमेंट बार बार से कौन सा अच्छा है। अगर वैकेंसी की बात करें तो दोस्तों, सबसे पहले वाला विभाग ये परिवहन वाला, ये RTO ऑफिस वाला विभाग है, यही आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा,
जिसमें वैकेंसी लगभग 187 है। फिर ये परिवहन का ही दूसरा विभाग है, इसमें 4 है। ये दोस्तों स्थाई है, ठीक है। ये सर्वे कमिश्नर वक्फ उत्तर प्रदेश है, ये भी स्थाई है। ये अल्पसंख्यक का विभाग है। इस परिवहन में क्या आता है, आरटीओ ऑफिस के जितने भी काम होते हैं ये परिवहन के अंदर ही आते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि आरटीओ ही मिलेगा, परिवहन के अंदर बहुत से काम आते हैं जिसमें आपको कोई भी कार्य दिया जा सकता है। वैसे तो जो कनिष्ठ सहायक होता है, ठीक है, इसका मतलब भी आपको पता होना चाहिए कि कनिष्ठ सहायक की पोस्ट क्या है। दोस्तों इससे आप क्या करेंगे कि आप क्लर्क बन जाएंगे, ठीक है, टाइपिस्ट क्लर्क। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको टाइपिंग ही करनी है, अलग अलग तरीके से आपको कार्यभार दिया जाएगा, ठीक है। भर्ती होने के बाद किसी भी तरीके का कार्य दिया जा सकता है, ठीक है। तो आप इसे अगर उत्तर प्रदेश की भाषा में कहेंगे तो आप बाबू बन जाएंगे, ठीक है, क्लर्क बाबू। ये जूनियर असिस्टेंट से आप बाबू बन जाएंगे। इसमें फिर दूसरा आपका तीसरा विभाग आता है अल्पसंख्यक कल्याण का, ठीक है। इसमें अल्पसंख्यकों के जो दस्तावेज है या उनकी स्कीमें हैं, ठीक है, कई कार्य इसमें होते हैं। फिर आपका आता है मुद्रण एवं लेखन सामग्री का, इसके लिए भी अलग है। इसमें सरकारी मुद्राओं का मुद्रण किया जाता है, यानी कि जो उनकी सामग्री है डिपार्टमेंट की, वो इसके अंदर बनाई जाती है, ठीक है। इसका भी अलग से विभाग होता है। फिर आता है मत्स्य विभाग, इसके अंदर आपका दोस्तों आपको पता होगा ये मछली उत्पाद वगैरह जो ये होते हैं ये मत्स्य के अंदर आती है। फिर आपका आता है इसमें ये दूसरा विभाग है, ये भी मत्स्य वालों का ही है, उससे छोटा विभाग या उसी की एक शाखा कह सकते हैं। फिर आता है सांख्यिकी निदेशालय, ठीक है। फिर आता है आपका कार्यालय प्रमुख अभियंता उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग, ये दोस्तों पीडब्ल्यू की तरह होता है, ठीक है। इसके अंदर आपको लोक निर्माण यानी के जो भी आपके लोक निर्माण से संबंधित कार्य है वो सभी इसके अंदर आते हैं। दूसरा भी ये लोक निर्माण का ही है। तीसरा फिर आपका इसमें आता है, सॉरी, 8वें नंबर का जो इसमें है वो है आबकारी, ये काफ़ी अच्छा विभाग है, ठीक है। इसमें भी 14 वैकेंसी है। जो अच्छे विभाग हैं उनमें दोस्तों आप देख सकते हैं कि वैकेंसी बहुत ज़्यादा कम है, ठीक है। फिर ये एक विभाग है, ये ओबीसी डिपार्टमेंट है, ठीक है। इसमें सभी ओबीसी के बारे में जो भी ओबीसी की योजनाएं आती है या ओबीसी के अंतर्गत जितने भी कार्य होते हैं वो सभी इसी विभाग के थ्रू होते हैं, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। बाकी ये दिव्यांगजन के लिए भी होता है सशक्तिकरण। फिर आपका विधि प्रयोगशाला और वशिका दीर्घ वशिका, ठीक है, ये इस तरीके के विभाग है। विद्युत सुरक्षा, बिजली चोरी करने और न करने वालों का सुरक्षा के लिए अलग से विभाग है। फिर आपका इसमें स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, नागरिक सुरक्षा निदेशालय, सहकारी समितियाँ, पंचायतें, नवातल इंदिरा भवन। फिर आपका राज्य निर्वाचन आयोग, ठीक है, ये भी वैसे तो तहसील से ही संबंधित है, तहसील में ही बैठता है इसका बंदा, ठीक है दोस्तों। तो ये भी विभाग काफ़ी अच्छा है। पर्यटन विभाग, जनसंपर्क सूचना विभाग, ठीक है, ये आरटीआई के जैसा होता है, इसमें जो कार्य किया जाता है वो आरटीआई के जैसा ही किया जाता है, ठीक है। जनसंपर्क और जन सूचना यानी कि डायरेक्ट कंज्यूमर से इसमें आपका वार्तालाप की जाती है और उनकी समस्याओं का निराकरण किया जाता है, ठीक है। फिर आता है समाज कल्याण निदेशालय, ये भी आपको पता होगा, पिछली बार भी था ये विभाग दो, ठीक है। और दोस्तों फिर आता है आपका आयुक्त एवं निदेशक हथकरघा और वस्त्र उद्योग, ठीक है, ये वस्त्र उद्योग से संबंधित जितने भी इसमें क्रियाकलाप किए जाते हैं वो सभी इसके अंदर आते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि पिछली बार जो था 5,000 की वैकेंसी थी और उसमें इनमें से कोई भी विभाग नहीं था, एक आध हो सकता है, लेकिन अब की बार क्या है, ये 21 विभाग और अलग से ही ये इसमें दिए गए हैं, ठीक है। तभी ये वैकेंसी दोस्तों आपकी 1,186 की वैकेंसी है, नहीं तो आपकी 5,000 के आसपास होती है अगर पिछली तरीके के डिपार्टमेंट इसमें दिए जाते। लगभग पिछली बार 50 के आसपास आपके विभाग थे, ठीक है दोस्तों। तो आगे शुरू करते हैं, इस तरीके से तो वीडियो आपकी बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, लेकिन दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद आपको खुद लगेगा कि कुछ आपका छूटा नहीं है, ठीक है। तो कनिष्ठ सहायक के जो पद है इसके लिए आपको क्या होना चाहिए, एक तो आपकी 10+2 10वीं और 12वीं आपकी ज़रूरी होनी चाहिए किसी भी बोर्ड से। अब बात करते हैं दोस्तों आपको इसमें हिंदी टाइपिंग और अंग्रेज़ी टाइपिंग। तो इसमें एक सवाल आपके मन में होगा कि आपको हिंदी की करनी है या इंग्लिश की,
दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये दोनों ही टाइपिंग आपको करनी अनिवार्य है, ठीक है। हिंदी में आपका 25 वर्ड पर मिनट होने आवश्यक है और इंग्लिश में आपका 30 वर्ड पर मिनट होने आवश्यक है, ठीक है। और ये आपको दोनों ही टाइपिंग इसके अंदर करनी है, ठीक है। आपको 10 मिनट का टाइम दिया जाएगा, 10 मिनट, जिसके अंदर 5 मिनट आपको हिंदी की टाइपिंग करनी होगी, ठीक है, और आपको 5 मिनट दिए जाएंगे इंग्लिश की टाइपिंग के लिए। अब आपके मन में एक सवाल होगा कि हिंदी में आपको किस तरीके का फॉन्ट मिलेगा। दोस्तों इसमें आपको रेमिंगटन गैल भी मिल सकता है, ठीक है, रेमिंगटन गैल, मंगल जिसे मंगल बोलते हैं, और आपको कुर्ती भी मिलेगी, ठीक है, जो होता है ना एक फॉन्ट कुर्ती देव 10, 11, 12, ठीक है। तो हिंदी के अंदर आपको मंगल और कुर्ती ये दोनों अवेलेबल होगी, और आपको 5-5 मिनट का इसमें टाइपिंग टेस्ट देना होगा, ठीक है। ये इतनी भारी नहीं है, 25 वर्ड पर मिनट बहुत ज़्यादा कम है, ये आपकी निकल जाएगी, और इंग्लिश में 30 वर्ड पर मिनट, ठीक है, इंग्लिश का एक ही फॉन्ट होता है। फिर तीसरे नंबर की जो बात आती है वो आती है कि आपको CCC इसमें होना अनिवार्य है, मतलब जब आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस समय क्या होगा कि आपका CCC देखा जाएगा, और जो इसकी पॉलिसी है चेक करने की वो क्या है कि फॉर्म भरने के यानी कि जो फॉर्म भरने की आखिरी तिथि है उससे पहले की डेट का आपका CCC होना अनिवार्य है, ठीक है, नहीं तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये भी आप ध्यान रखें, CCC इसमें मस्ट है। फिर आपका आता है कि आयु सीमा क्या है। दोस्तों इसमें मैंने पहले ही बताया आपको, 18 वर्ष से लेकर 40 वर्ष तक की आयु के इसमें फॉर्म भर सकते हैं, ये जर्नल की एज है, ठीक है, ये जर्नल की है 18 से 40 वर्ष। इसमें अदर स्टेट भी कवर कर सकते हैं, जो अदर स्टेट का बंदा 18 से 40 के बीच आता है वो भी इसे अप्लाई कर सकता है। बाकी इसमें जो OBC को छूट दी जाएगी, OBC और SC को, वो दोस्तों 5 साल की छूट है, यानी कि उन्हें 5 साल का रिजर्वेशन दिया जाएगा, और इसमें ये कुछ रिजर्वेशन दिए गए हैं, जो आपके खिलाड़ी है, ठीक है, उन्हें भी 5 साल की छूट दी जाएगी, और जो भूतपूर्व सैनिक हैं उन्हें 3 वर्ष की छूट दी जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो ये आप देख सकते हैं। बाकी दोस्तों इसमें जो आरक्षण है वो केवल यूपी गवर्नमेंट में, सॉरी, उत्तर प्रदेश के जो निवासी है उन्हीं के लिए ये आरक्षण की छूट है, यानी कि जो 5 साल का रिजर्वेशन है वो यूपी में रहने वालों के लिए ही है, अदर स्टेट वाला जर्नल में काउंट होगा, और दोस्तों जर्नल की ही उसको एज लिमिट मिलेगी और जर्नल का ही कोटा लगेगा, ठीक है। बाकी जो रिजर्वेशन है OBC SC ST इनका जो कोटा मिलेगा वो केवल उत्तर प्रदेश के जो निवासी हैं उन्हें ही मिलेगा, ठीक है। एक रिजर्वेशन इसमें नया और ऐड किया गया है, जो कि इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन है, EWS जिसे बोलते हैं। इसके अंदर क्या है कि जो आर्थिक रूप से ज़्यादा कमज़ोर है, ठीक है, उसके लिए 10% का अलग से कोटा दिया गया है। इसके अंदर आपको क्या करना होगा, एक प्रमाण पत्र आपको बनवाना होगा, तहसील में जाकर तहसीलदार उसको बनाएगा, ठीक है। ये प्रमाण पत्र अगर आपके पास है तो इसके अंदर आपको 10% का एक्स्ट्रा रिजर्वेशन मिलेगा। लेकिन ये दोस्तों मैं आपको बता दूं, इसके लिए क्या करना होगा, ये प्रमाण पत्र आपको परिवार की आय और परिसंपत्ति का प्रमाण पत्र संबंधित क्षेत्र के तहसीलदार के अधिकारी के द्वारा जारी किया जाएगा, ठीक है, और अंतिम तिथि तक जारी किया गया हो, मतलब जो आपकी फॉर्म भरने की लास्ट डेट है उसकी तारीख तक आपका यह प्रमाण पत्र जारी किया हो, तो ही आपको ये 10% EWS का रिजर्वेशन मिलेगा, ठीक है। फिर आगे देखते हैं, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा लेकिन दोस्तों ये जानकारी आपके लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। अब बात करते हैं परीक्षा की। दोस्तों ये परीक्षा जो होने वाली है इसमें भी नॉर्मलाइजेशन वाला ये फंडा है, वैसे तो ये बहुत खतरनाक है नॉर्मलाइजेशन, ठीक है, लेकिन कुछ हद में देखा जाए तो ये अच्छा भी है। अगर एक से अधिक ज़्यादा शिफ्ट में पेपर किया जाता है, मतलब आपके 2 दिन पेपर चले और 4 शिफ्ट उसमें बनी, तो दोस्तों ये नॉर्मलाइजेशन लगाना पड़ता है, ठीक है। कोई सी शिफ्ट में पेपर हल्का होता है, कोई सी भारी, तो इसलिए इसमें नॉर्मलाइजेशन लगाया जाता है। तो इसमें दोस्तों नॉर्मलाइजेशन का भी आपको देखने को मिलेगा। फिर आपका इसमें बात आती है कि अब की बार पेपर ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन। दोस्तों इन लोगों ने इसमें ऑफलाइन और ऑनलाइन ओब्लिक करके दोनों ही दिए हैं, मतलब ये देखेंगे कि पेपर ऑनलाइन करना है कि ऑफलाइन। अगर इसके अंदर ज़्यादा फॉर्म डाले गए तो जाहिर सी बात है कि पेपर ऑनलाइन किया जाएगा, और अगर कम हुए तो ये ऑफलाइन भी ले सकते हैं,
ठीक है, वैसे जहाँ तक चांस है ऑनलाइन के ही है, और ये आपको दोनों भाषाओं में मिलेगा। ठीक है, लिखित परीक्षा और टंकण परीक्षा हिंदी और अंग्रेजी दोनों में आपको देखने को मिलेगी। फिर अब बात करते हैं आपकी जो पिछली बार जो था 12वीं और आपका ग्रेजुएशन, ठीक है, इनके मार्क्स दिए जाते थे परसेंटेज के हिसाब से इंटरव्यू के समय पे। ठीक है, डॉक्यूमेंट के इसमें आपके नंबर जोड़े जाते थे, लेकिन अब की बार ऐसा कुछ नहीं है, केवल आपका रिटर्न एग्ज़ाम है। ठीक है, उसी के आधार पर आपका चयन किया जाएगा। ठीक है, इसमें ना तो इंटरव्यू होगा और ना आपके 10+2 के या आपके ग्रेजुएशन के नंबर मिलेंगे। तो दोस्तों ये भी आपके लिए बहुत अच्छी खबर है। पिछली बार क्या था, जिसने पेपर कर दिया और उसके आपके 12वीं में और ग्रेजुएशन में फर्स्ट है, तो वो आपकी वैकेंसी खींच जाता था, लेकिन अब की बार ऐसा नहीं होगा। अगर आपके रिटर्न एग्ज़ाम अच्छा है तो दोस्तों आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। ठीक है दोस्तों, तो ये आपके लिए बहुत अच्छी खबर है। बाकी दोस्तों ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो मैं एक बार और बता दूं कि आप इसे शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, तो उम्मीद है आपको इन सभी सवालों का जवाब मिल गया होगा, और कुछ जो आपको अन्य जानकारी चाहिए थी वो भी आपको शायद इस वीडियो में मैंने दे दी हो। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको शेयर और लाइक और सब्सक्राइब चैनल को करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बाकी फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, और यदि किसी भी तरीके का कोई सवाल आपके मन में है तो दोस्तों आप हमें कमेंट कीजिए, हम उसका आपको 24 घंटे के अंदर अंदर जवाब दे देंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।